जी जी मेरा। मैं पिछले कल ही लाहौल पहुंचा हूं। जब से उपचुनाव लाहौल स्पीति के उम्मीदवारों का घोषणा हुआ, मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं, लगभग 1.5 महीने मेरे साथ जो राजनीति दोनों पार्टियों ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, मुझे इस बार खेद से कहना पड़ रहा है, हमने भारतीय जनता पार्टी को हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए खून पसीने से सींचा है, मुझे दरकिनार किया और मुझे ये भी कहा गया पार्टी द्वारा, पार्टी के आला नेता मेरे घर में पहुंचे कि रामलाल मारकंडी जी आप रुकिए, हम पार्टी का टिकट रिव्यू कर रहे हैं, आपको टिकट देने वाले हैं। और अंतोगत्वा मुझे जवाब मिला कि हम टिकट बदल नहीं पा रहे हैं। उसी बीच में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदर सुखविंदर सुक्खू से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने अपने टिकट देने की बात कही और 4 तारीख तक मुझे कहा गया, मुझे कहा जाता कहते रहे कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा, शिमला ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको टिकट देने वाले हैं। और 5 तारीख को मेरे टिकट कटता कांग्रेस पार्टी से, 1.5 महीने का समय मैंने जाया किया और मेरा कोई मन नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जब पिछले कल मैं लाहौल पहुंचा, यहां के लाहौल के हमारे जनमानस, हमारे मेरे दोस्त, मेरे कार्यकर्ता जो 1998 से लेकर मेरे साथ दे रहे हैं, सभी ने फैसला किया कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। मैं तत्काल मैंने फैसला नहीं लिया, आज यहां पर आप देख रहे हैं, आप 1000 से ऊपर लोगों की संख्या यहां पर इकट्ठे हुए, आज लोगों ने मुझे कहीं कहा, मैंने कहा कि मैं अभी एक दिन और लेना चाहता हूं। कार्यकर्ताओं ने कहा, दोस्तों ने कहा, आज बहुत संख्या में लोगों ने हमारी पार्टी तो ज्वाइन किया, तो आज मुझे फैसला लेना पड़ा कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर, लाहौल स्पीति जनता के अनुरोध पर फैसला लेना पड़ रहा है कि मैं लाहौल स्पीति से आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ने जा रहा हूं। और 13 तारीख को मैं केलंग में नॉमिनेशन भर रहा हूं। सभी लाहौल स्पीति की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन आप 13 तारीख को अपना आशीर्वाद देने नामांकन में भरने जा रहा हूं, आप भारी संख्या में वहां पहुंचे ताकि मुझे आपका आशीर्वाद मिले, आपको मुझे आप उत्साह मिलेगा। और सभी से निवेदन करना चाहता हूं लाहौल स्पीति जनता से, ये चुनाव जो है, चाहे आपको एक साधारण चुनाव लगता है, मुझे लगता है चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के नेता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने लाहौल की महिलाओं को 1500 रुपये दिया है, मैंने 6000 लोगों महिलाओं को दिया है, दुख से कहना पड़ रहा है, लाहौल में 292 महिलाओं को दिया है, स्पीति में 803 महिलाओं को दिया है, यहां पर 1000 महिलाओं को आपने दिया है, दूसरी ओर 16000 महिलाओं की संख्या है लाहौल स्पीति में, जो 27 इंस्टीट्यूशन आपने बंद किए 1 साल के अंदर, उसका जवाब कौन देगा। और साथ ही साथ बजट में भारी कटौती, कहां 86 करोड़ बजट लाहौल का, वो आपका 52 करोड़ पहुंच गया है, आपका स्पीति का बजट 79 करोड़ से आपका 50 करोड़ पहुंच चुका है, कौन जिम्मेदार है इसका जवाब जो है लाहौल स्पीति जनता उसमें कहना चाहता हूं, यहां की महिलाओं से कहना चाहता हूं, क्या आपको ठगा महसूस किया गया, आपको ठगाया गया। आप याद करें उस दिन को, पिछले चुनाव में आए थे कि एक परिवार के 4 महिलाओं को हम 6000 रुपये तक 1500 रुपये देंगे, आज कहां गए। सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं लाहौल स्पीति जनता से, आपका मुझे आशीर्वाद मुझे मिले, मैं आप एक आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मैं प्रयास करूंगा हर घर परिवार तक पहुंचूं, जहां पर मैं नहीं पहुंचूंगा वहां मेरे कार्यकर्ता पहुंचे, मेरे दोस्त पहुंचेंगे, आप में जहां भी मेरे बैठे हैं लाहौल स्पीति के, सब मेरे वोटर हैं, सब रामलाल मारकंडा है, कृपया करके अपना कीमती वोट मुझे दे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, जो लाहौल स्पीति के साथ जो इन 1.5 सालों में अन्याय हुआ है, बजट में कटौती, संस्थाएं बंद हुई है, घुलपुर में सब्सिडी खत्म किया गया है, बहुत से विषय हैं, बहुत से ऐसे दर्दनाक विषय लाहौल स्पीति के अंदर है, उस बात को आवाज में विधानसभा पहुंचाऊंगा और आपका हमदर्द बनकर मैं पहुंचूंगा। जिस मैंने आपको रामलाल मारकंडे का इतिहास पता है, इन 15 सालों में लाहौल स्पीति को मैंने आँच आने दिया है, लाहौल स्पीति के हर व्यक्ति का मैंने मान सम्मान किया है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा अंत में कि आप सभी अपना आशीर्वाद मुझे देंगे, मुझे जिता के भेजेंगे, अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को भेजेंगे, जिता के भेजेंगे, ताकि मैं लाहौल स्पीति का मान सम्मान फिर बरकरार रखूंगा। धन्यवाद।